से भी ये बहुत दिनों से बिल्डअप किया जा रहा है। इनके पास एक इनिशियल इंफॉर्मेशन थी कि कुछ लोग जिनके पास हथियार है, एक मिनट आप थोड़ा, एस एच ओ के पास एक इंफॉर्मेशन थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास हथियार हैं और विशेष तरह की चाबी से वो वाहनों को उठाने का काम करते हैं, लोगों को ये चोरी का काम करते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन थी जिसको डेवलप किया गया था और ये लोग ऐसे हैं जो इकट्ठे होके एक्टिविटीज़ करते हैं, डकैती डालने की भी इनकी वो रहती है। तो ऐसे चार अपराधियों को आज गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से एक देसी कट्टा है, दो जिंदा कारतूस, एक रामपुरी चाकू, एक लकब, एक एलएन की चाबी जो एक तरह की मास्टर की समझी जा सकती है, ये सब बरामद की गई है और पांच वाहन जिनसे बरामद किए गए हैं, पांच बड़े वाहन। ये इनकी टीम की और जो तकनीकी हमारी शाखा है उन दोनों ने मिलके इनको काफ़ी टाइम तक ट्रैक किया, इनको वॉच किया। रात को दो दो तीन तीन बजे तक इनकी एक्टिविटीज़ या इनकी कहाँ लोकेशन हो सकती है उन सबको ट्रैक किया गया और फाइनली 14 और 15 की रात को इन सब लोगों को यहाँ डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। इसमें ओमवीर एएसआई, जितेंद्र सब इंस्पेक्टर, अनिल कुमार हेड कांस्टेबल, पवन हेड कांस्टेबल, रणवीर, छोटू राम, सुरेंद्र, मुकेश, इन सब ने जो है अच्छा रोल प्ले किया है और इनको रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तार मुंजिम जो हैं ये पूर्व में इनके भी खूब मुकदमे रहे हैं, जैसे एक धोलू और विकास है जो सवाई माधोपुर का रहने वाला है, इसके खिलाफ कुल 16 प्रकरण दर्ज हैं। अभी इसने वर्तमान में मुहाना मंडी से एक पिकअप, एक महेश नगर से टाटा सफारी और चार गाड़ियां और चोरी करना बताया है। दूसरा सुरेश मीना, ये भी सवाई माधोपुर रहने वाला है, इसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज। इनने और भी गाड़ियां चोरी करना बताया है जिनके बारे में इनसे सूचना प्राप्त की जा रही है। एक लक्ष्मण सिंह बंसी है, ये नागौर का रहने वाला है, इसके खिलाफ कुल 20 मुकदमे दर्ज, जिसमें से 13 मुकदमे चैन तोड़ने और स्नैचिंग के हैं। इस तरह का आला अपराधी है, ये अभी मई से बाहर आया है और ये जेल में बंधे अपराधी के लिए काम करता हुआ, तो जेल से भी कुछ लोग इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ ये काम करता हुआ इसका जो है बैकग्राउंड पाया गया है। और अपाचे मोटरसाइकिल इसने चोरी की है वो इससे प्राप्त हुई है। चौथा आदमी रमेश मीना है, ये भी सवाई माधोपुर का रहने वाला है, जो भी इनके साथ जो सपोर्ट सिस्टम है उसका काम करता है, बेसिकली वाहन चुरा के उसको डिस्पोज करने का काम में इसकी मदद रहती है। तो इस तरह से इन लोगों को दस्तयाब किया गया है। ये चोरी के वाहन करना, उनको बिकवाना और जेल में बंद कुछ कुख्यात लोग हैं उनके साथ संपर्क में रह के कार्रवाई करने का काम करते हैं। इन लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है, इनको रिमांड पर लिया जाएगा, इनसे और भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। इस कार्रवाई को करने के लिए भी बिल्डअप जो है बहुत काफ़ी टाइम से किया गया था, उसके लिए एसीपी साहब वैशाली, एसएचओ वैशाली और उनकी टीम जो है वो बधाई की पात्र। ले लो काम, चारों बोले रहो।